हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर क्लास टीचर. नाउ आई विल टीच यू मैथ. टेक आउट योर मैथ बुक. यस. एंड लेसन नंबर, चैप्टर नंबर 6. ये देखिए, दिस इज योर मैथ बुक. इजी मैथ. टेक आउट योर मैथ बुक. कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो. देयर आर 3 मैंगोज इन द बास्केट. द मैन हैव The man gave one mango to child. Now the basket has 2. देखिए, इस बास्केट में जो है 3 मैंगो हैं और ये मैन ने 1 मैंगो एक चाइल्ड को दे दिया, तो कितने बचे अब बास्केट में? 2. और यहाँ है द मैन गेव 1 मैंगो टू अनदर चाइल्ड, तो यहाँ एक मैंगो इसने दूसरे बच्चे को दे दिया. नाउ द बास्केट हैज़ ओनली 1 मैंगो, तो अब बास्केट में सिर्फ 1 मैंगो बचा ना. देखिए, तो द मैन एट द लास्ट मैंगो. नाउ अभी लास्ट मैंगो मैन ने खुद ने खा लिया. द बास्केट हैज़ 9 और 0 मैंगोज. अब जो है बास्केट में कुछ नहीं बचा, अब हम इसे बोलेंगे 0 मैंगोज. तो ये देखिए, यहाँ एक बास्केट है, बास्केट में 3 मैंगोज हैं, तो ये इस मैन ने 1 मैंगो एक चाइल्ड को दे दिया. अब बास्केट में 2 मैंगोज बचे. अब यहाँ जो है इस मैन ने जो है एक मैंगो दूसरे बच्चे को दे दिया, अब कितने बचे बास्केट में? 1. अब यहाँ जो है मैंगो इन्होंने खुद ने खा लिया, तो अब बास्केट में कितने मैंगोज बचे? 0, कुछ नहीं. There are no fruits in the basket. अब बास्केट में कुछ भी फ्रूट्स नहीं बचा. We can say that there are 0 fruits in the basket. तो हम ये भी कह सकते हैं कि बास्केट में 0 फ्रूट्स है, यानी कुछ नहीं. This means nothing. और 0 का मीन्स होता है nothing. और absence of something is called 0. और जब कुछ नहीं होता किसी इसमें, तो उसे 0 बोलते हैं. We read this as 0. Is right this 0. तो यहाँ जो है ऐसे लिखा जाएगा 0. ट्रेस द 0. अब आपकी समझ में आया बच्चों? एक बार और समझाती हूँ. एक व्यक्ति है, उसके पास एक बास्केट है, बास्केट में 3 मैंगोज हैं, उसके पास 2 बच्चे आते हैं, वो जो है एक मैंगो उस बास्केट में से एक बच्चे को दे देते हैं, फिर दूसरा बच्चा भी वहीं खड़ा होता है, तो वो दूसरा मैंगो दूसरा एक और मैंगो दूसरे बच्चे को दे देते हैं. अब बास्केट में 1 मैंगो बचा, दोनों बच्चों को दे दिया. अब वो जो है एक मैंगो वो खुद से खा जाते हैं, तो बास्केट में अब कितने मैंगो बचे? 0. जब कुछ नहीं होता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0. तो बास्केट में कोई फ्रूट्स नहीं बचा, तो अब हम कह सकते हैं 0. तो यहाँ हम देखिए, दिस नंबर इज 0. तो अब यहाँ हम 0 पर ट्रेस करेंगे, बिल्कुल प्रॉपर लाएंगे, डॉट्स के ऊपर लाना है बिल्कुल प्रॉपर. अब ये देखिए, यहाँ 0. 0 की स्पेलिंग है ZERO. 0. 0 से बनते हैं हम हीरो. ये है 0. तो ये है, ट्रेस करेंगे ZERO. 0. ZERO. कलर द कार्टून पिक्चर ऑफ 0 ब्राइटी. ये यानी 0 ब्राइटी में तो कलर करेंगे. पहले हम इसे पहले इस पर डॉट्स पर ट्रेस कर देते हैं. ब्राइटली अच्छा सा कलर करना है इस पर हमें. तो देखिए, ये देखिए,
देखिए क्या है ये, ज़ीरो। तो कलर द पिक्चर ब्राइटली ज़ीरो, ज़ीरो में पिक्चर्स का कलर करना है हमें। जीरो की शेप में जीरो हमने कलर करा जीरो में अच्छे अच्छे से। देखिए ज़ीरो में भी कलर कर दिया हमने, हो गया ना। पिक्चर्स ज़ीरो, तो ये ज़ीरो में हमने कलर कर दिया है। तो टेक आउट द नंबर्स, टेक आउट योर मैथ्स प्रैक्टिस बुक and learn. अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया नहीं आया? कॉन्सेप्ट ये है, एक व्यक्ति है, उसके पास एक बास्केट है, बास्केट में थ्री मैंगोज हैं। तो वो दो बच्चे उनके पास आते हैं, वो एक मैंगो उस बच्चे को दे देते हैं, तो बास्केट में दो मैंगो बचे। अब फिर दूसरे बच्चे को दे देते हैं, तो अब बास्केट में वन मैंगो बचा। अब जो है वो खुद एक मैंगो खुद खा लेते हैं, तो इसका मतलब बास्केट में बचा ज़ीरो, कुछ नहीं। तो ज़ीरो को मीन्स होता है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से आपको समझना है, ज़ीरो का मीन्स होता है नथिंग, कुछ नहीं। ज़ीरो मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। ज़ीरो का मीन्स होता है कुछ नहीं। आप जैसे ये समझ लीजिए, आपके पास टू पेंसिल हैं, वन पेंसिल आपके फ्रेंड ने ले ली, वन पेंसिल आपके दूसरे फ्रेंड ने ले ली। अब आपके पास क्या बचा? नथिंग, कुछ नहीं बचा। तो इसका मीन्स हुआ ज़ीरो। क्या हुआ इसका मीन्स? ज़ीरो। समझ में आया नहीं आया? अब ऐसी समझ लीजिए, आपके पास दो रोटी हैं, एक आपने अपने एक फ्रेंड को दे दी, दूसरी दूसरे फ्रेंड को दे दी। अब आपके लंच बॉक्स में तो कुछ नहीं बचा ना, कोई भी टॉफ़ी नहीं बची, कोई भी रोटी नहीं बची। तो अब आपके पास क्या है? नथिंग। तो नथिंग का मीन्स होता है ज़ीरो। तो कुछ नहीं है तो ज़ीरो।